नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीआरवी स्टडी चैनल में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ एक एक करके सभी सीरीज लेकर आएंगे आरएसी की, तो दोस्तों उसी पहल में हम आपके साथ दूसरी यूनिट लेकर आए हैं आरएसी की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे हीट इंजन की। और दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी बच्चे हमारे हीट इंजन ट्रेड से रिलेटेड हैं, एलपी में जिन्होंने हीट इंजन ट्रेड लिया हुआ है, वो हमारे इस टॉपिक के साथ ज़रूर जुड़ें ताकि उनको आसानी हो हीट इंजन क्वेश्चन को डील करने में। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो टॉपिक हम सभी कवर कर रहे हैं, ये हमारे स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में और हमारे एसएससी जेई में और हमारे आरआरबी जेई में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, और इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर वहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों आज हम चालू करते हैं अपना आरएसी में हीट इंजन, और हीट इंजन में हम बात करेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है और ये क्या कहता है, पहले इसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं, इसने क्या कहा। तो केल्विन ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल एंड कन्वर्ट ऑल लो ग्रेड एनर्जी इंटू हाई ग्रेड एनर्जी वाइल एक्सचेंजिंग हीट विथ सिंगल रिजर्वायर। इन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक डिवाइस बनाएं जो एक सिंगल रिजर्वायर पे ऑपरेट हो, सिंगल रिजर्वायर पे ऑपरेट हो और सभी जितनी भी हमारी लो ग्रेड एनर्जी है उसको हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर दे विथ अ सिंगल रिजर्वायर। तो दोस्तों हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सोच आ रही होगी कि ये लो ग्रेड एनर्जी और ये हाई ग्रेड एनर्जी क्या है। तो दोस्तों अगर हम लो ग्रेड एनर्जी की बात करें तो लो ग्रेड एनर्जी जो हमारी होती है दोस्तों वो हमारी होती है हीट, और हाई ग्रेड एनर्जी होती है हमारी वर्क। लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हीट एंड हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज वर्क। तो दोस्तों मतलब कि हमारा जो सोर्स है उसमें से जो हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा केल्विन ने कहा था। तो केल्विन का एक और स्टेटमेंट होता है जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या है उसको देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द केल्विन, केल्विन के अनुसार 100% इफिशियंसी, इफिशियंसी का अर्थ होता है दोस्तों दक्षता, 100% इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज नॉट पॉसिबल, मतलब किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। मतलब दोस्तों अगर हम अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ को देखें तो हम अगर कोई काम करते हैं तो हम 100% इफिशियंसी से नहीं कर पाते हैं काम को। उसी प्रकार जो मशीन्स हमारी होती हैं, कोई भी इंजन मशीन हो हमारी, वो 100% इफिशियंट हो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों हम अगर इफिशियंसी निकालें इस इंजन की जो केल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो इफिशियंसी इक्वल टू दोस्तों होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। दोस्तों आउटपुट की बात करें तो ये मशीन हमको आउटपुट के रूप में वर्क दे रही है, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया दोस्तों वर्क, और जो हमने इनपुट क्या दिया था दोस्तों हमने सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट की थी, मतलब हमारी मशीन ने सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट की थी। तो इफिशियंसी इक्वल टू हो गया दोस्तों डब्ल्यू बाई क्यू एच। लेकिन यहाँ पर आप एक सिंबल देख रहे हैं, गलत क्यों ये गलत हुआ, क्योंकि हमने कहा कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% पॉसिबल नहीं है। किस बिहाफ पे हमने कहा, कोई भी सिंगल रिजर्वायर से हम टोटल हीट लेकर के टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर रखें इसको, तो हम अगर यहाँ पर रखें W डिवाइड बाई W तो हमारा आ जाएगा एक, और अगर हम इसमें परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो हमारी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 100%, जो कि हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। तो हमें उम्मीद है कि आप केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझ गए होंगे। इसी मशीन को दोस्तों हमारा कहा जाता है PMM, परपेचुअल मोशन मशीन सेकेंड काइंड की, जो कि हमारी नॉट पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट। तो हमारे दोस्तों पेपर में क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे कि पीएमएम सेकंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आता है, तो आप बताएंगे कि पीएमएम सेकंड का कॉन्सेप्ट हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से निकल करके आता है। दूसरी चीज़ दोस्तों हमारे एग्जाम आपसे क्या पूछेगा कि 100% इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज नॉट पॉसिबल, मतलब किसी मशीन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, यह कथन किसका है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको ऑप्शन में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लगे मिलेगा और आपको वो टिक करके आना है। तो दोस्तों इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से हमारे उठेंगे। फिर दोस्तों अभी हमने हीट इंजन की बात की, लेकिन हमने आपको हीट इंजन के बारे में बताया नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा हीट इंजन होता क्या है। दोस्तों हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन, और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हीट इंजन को हीट इंजन ही बोलना उचित है। हीट इंजन को हम हीट मतलब ऊष्मा, इंजन मतलब जो कि आपका इंजन, घर पे भी आप यूज करते होंगे इंजन मशीन, तो हम इस तरह से शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हीट इंजन के जहाँ हम दोस्तों हीट इंजन ही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हीट इंजन हमारा होता क्या है, हीट इंजन के बारे में हम जानते हैं पहले। हीट इंजन हमारा होता क्या है, हीट इंजन की पहले हम जो डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा दी हुई है, पहले उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो हीट इंजन क्या कह रहा है, इज अ डिवाइस, हीट इंजन इज अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल। सबसे पहले दोस्तों एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ साइकिल। अगर हम साइकिल की बात करें अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, तो साइकिल कुछ इस प्रकार से बनती है, पीवी डायग्राम बनता है, उस पर साइकिल हमारी कोई भी चीज़ यहाँ से ए से चला बी पे आया और बी से चला
ए पे आ गया। या फिर आप सिंपल भाषा में चले सोचे तो हम मान लीजिए किसी सर्किल के चारों ओर दौड़ रहे हैं, हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और हम लौट कर ए पॉइंट पे आ गए, दोस्तों वही हमारा होता है साइकिल। तो हीट इंजन क्या कहता है, हीट इंजन इज अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल एंड कन्वर्ट। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो एक साइकिल पे ऑपरेट होती है और कन्वर्ट करती है ए पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क, मतलब हीट का कुछ पार्ट, कुछ पार्ट, ए पार्ट का मतलब कुछ भाग कन्वर्ट करती है हीट का वर्क में, और एंड रिजेक्ट रिमेनिंग टू द सिंक, और जो हीट की जो कुछ मात्रा बची हुई है उसको सिंक में कन्वर्ट कर देती है। दोस्तों हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हमने देखा था कि हमारे पास केवल वहाँ पर सोर्स अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा सोर्स और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों सिंक। मतलब अगर हम देखें तो हीट इंजन के जो कॉन्सेप्ट को केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट वायलेट कर रहा था, ठीक ना। मतलब कुछ ऊर्जा सोर्स में कन्वर्ट होनी चाहिए और कुछ ऊर्जा हमारी सिंक में चली जानी चाहिए। तो दोस्तों हमारी अब हम हीट इंजन में बात करें तो इफिशियंसी हीट इंजन की निकालें तो हीट इंजन की इफिशियंसी होती है दोस्तों आउटपुट अपान इनपुट, हमने जो कि आपको बताया कि इफिशियंसी निकालने का फार्मूला होता है आउटपुट अपान इनपुट। आउटपुट पे हम देखें तो आउटपुट पे हमको वर्क मिल रहा है, डब्ल्यू मिल रहा है, तो हमने यहाँ लिखा डब्ल्यू। और हम जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब जो इनपुट हम दे रहे थे इस इंजन को, वो हमारी थी हीट जो कि हम सोर्स से ले रहे थे और हमारा कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो ये हमारा आउटपुट हो गया था। और हमारा इनपुट क्या हो गया दोस्तों, क्यू एच हो गया। तो दोस्तों उसके हम बात करें, ये जो इक्वेशन हमारा दोस्तों ये हो गया फार्मूला हीट इंजन के लिए, इफिशियंसी के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ आपसे, अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें, अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट क्या निकल करके आता है, मतलब जितना आया और जितना गया वो दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। मतलब अगर हमने टोटल हीट क्यू एच ली, टोटल हीट हमने कितनी ली दोस्तों, क्यू एच ली, तो क्यू एच का कुछ पार्ट तो डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया और कुछ पार्ट हमारा डिलीवर किसके पास हो गया, सिंक के पास डिलीवर हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्यू एच इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू एल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, मतलब ली गई बराबर दी गई, मतलब ली गई ऊष्मा बराबर दी गई, मतलब जितना भी काम हमने लिया और जितना उसको कन्वर्ट करने में जो भी चीज़ें उसके द्वारा कन्वर्ट हुई, जितनी चीज़ें बची वो एक तरफ, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम W की बात करें, W हमारा कितना निकल करके आएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा क्यू एल को इधर भेज देंगे तो क्यू एल माइनस हो जाएगा, W बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू एच माइनस क्यू एल। फिर दोस्तों अगर हम अपना इफिशियंसी का फार्मूला देखें और उसमें हम W की वैल्यू पुट करें तो इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारा क्यू एच माइनस क्यू एल डिवाइड बाई क्यू एच। तो हम यहाँ पर अगर इस चीज़ को देखें तो इफिशियंसी वाई निकल करके आ जाएगी, अगर हम क्यू एच से डिवाइड कर दें तो क्यू एच से क्यू एच को डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा दोस्तों, फिर माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ अब आपसे हमेशा पूछेगा कि हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये लगाना है। बट अगर यही टेम्परेचर के टर्म में दिया हो तो उसके लिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो हमारा होता है, ये जो हमारी इफिशियंसी निकल कर के आई हीट इंजन की, ये हमारी वैलिड होती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए। मतलब रिवर्सिबल का मतलब दोस्तों क्या होता है, उत्क्रमणीय, और दोस्तों इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, अनुत्क्रमणीय। मतलब एक प्रोसेस हमारी गई और लौट आई, और अनुत्क्रमणीय का मतलब केवल जा करके रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसको हम पुनः उसी स्टेट में नहीं ला सकते हैं। तो अगर हम इस प्रकार का फार्मूला लगाते हैं, मतलब अगर हम हीट जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जो हमारी हीट सोर्स से ले रहे हैं और जो हम सिंक को डिलीवर कर रहे हैं, अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं जो हमारी एफिशिएंसी निकल करके आएगी वो वैलिड होगी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कहने का यहाँ मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर आपके पास वहाँ पर इरिवर्सिबल कह दिया, अगर वहाँ आपको इरिवर्सिबल कह दिया, तो आपको इफिशियंसी के लिए हीट एक्सट्रैक्ट टू द सिंक सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, ये आपको निकालना आपको पता होना जरूरी होता है। लेकिन इसको हम टेम्परेचर के टर्म में चेंज करें, तो टेम्परेचर के टर्म में चेंज करने पर हमारा एक इक्वेशन होता है क्यू एल डिवाइडेड बाई क्यू एच, मतलब सोर्स से जो हमारी हीट ली गई और सिंक को जो हीट रिजेक्ट की गई वो हमारा बराबर होता है सोर्स से का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये हमारा केवल ये जो इक्वेशन है ये हमारा वैलिड होता है ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। मतलब अगर हम टेम्परेचर के टर्म में कभी इफिशियंसी लिखेंगे तो वो हमारी केवल और केवल वैलिड होगी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए वैलिड होगी दोस्तों, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए केवल केवल वैलिड होगी अगर हम टेम्परेचर के टर्म में इफिशियंसी को लिखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और जो भी हमारे दोस्त हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं वो इससे अगर प्रीवियस वीडियो देखते हैं और इस वीडियो को देखते हैं तो उनको एक भी प्रतिशत की
किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो चीज़ों को, उनको आपको याद करना है, उनको आपको रट के जाना है चाहे याद करके जाना है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ये आपके स्टेट लेवल इंजीनियरिंग के लिए, एसएससी जेई के लिए, यूपीएससी जेई के लिए, और दोस्तों जो हमारा आरआरबी जेई अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आरएसी डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। अब दोस्तों हम अगले पृष्ठ की बात करते हैं।